आज वीडियो में स्वागत और है। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसकी सजेशन हमें दी है शालू ने और वीडियो का टाइटल है व्हाट आर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लाइक एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडियन प्रोफेसर इन यूएसए। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हम लोग की जानकारी को स्टॉकिंग फिलिंग भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। यही यूएस आने से पहले मैं कभी पाकिस्तानी लोगों से नहीं मिला था। मुझे लगता था कि पाकिस्तानी जो होंगे भी यूएस में वो अरबिक लोगों के जैसे होंगे, उनके जैसे बात करेंगे और उनके ही ग्रुप में होंगे। मुझे लगा कि पाकिस्तानी लोग करते होंगे वल्ला हबीबी उई तुम क्या करती ये उई, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना वैसा लगता था मुझे। दिस इज चैतन्य संभारा, फैकल्टी एट द कॉलेज ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन। मैं जब जस्ट यूएस आया था मैंने देखा कि कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पर, तो मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अभी हम लोग गेम खत्म कर रहे हैं, आप नेक्स्ट वीक आ जाओ। उन लोगों से बात करके मुझे पता चल गया था कि ये लोग यूएस में पले बढ़े हैं, वो लोग इंडिया से नहीं थे। तो अगले हफ्ते मैं शाम को 4 बजे पहुँच गया क्रिकेट खेलने उनके साथ। और खेलते खेलते मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से हो। एक ने कहा मेरे पापा मम्मी कराची से हैं, दूसरे ने कहा कि मेरे पापा मम्मी लाहौर से हैं। वो सबके सब पाकिस्तानी थे, मैं बस एक अकेला इंडियन था वहाँ पर। उसके बाद जब तक मैं प्रोफेसर नहीं बन गया तब तक मेरा पाकिस्तानी लोगों के साथ इंटरेक्शन लिमिटेड था। तब मैंने एक बात समझी कि जब आपको कोई रास्ते पर चलते हुए दिख रहा होगा तो वो आपके लिए सिर्फ इंसान है, वो आपके लिए सिर्फ एक बॉडी है, इंसान की बॉडी चलते हुए जा रही है। जब आप उसको जानते हैं कि ये कौन है, फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई टीचर जा रहे हैं तब आप उस बॉडी को एक आइडेंटिटी भी दे देते हैं कि ये इंसान है और ये मेरा टीचर है। उसका अगला लेवल आता है जब आप किसी को पर्सनली जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनसे घुलते मिलते हैं, तब वो कहाँ से हैं, किस एक्सेंट में बात करते हैं, वो सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं और आपका इंडिविजुअल कनेक्शन बन जाता है उनके साथ। तब आपको ये नहीं दिखता कि वो बंगाली है कि दिल्ली से है कि पाकिस्तान से है कि श्रीलंका से है कि बांग्लादेश से है। और एज ए स्टूडेंट मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या नोटिस की पता है आपको? मैंने ये नोटिस किया कि नॉर्थ इंडिया के, दिल्ली के, पंजाब के, ऐसे स्टेट्स के लोगों को पाकिस्तानी लड़कों से जो लाहौर इस्लामाबाद ऐसे एरियाज थे उनके साथ ईजिली फ्रेंडशिप हो जाती थी, जबकि उड़ीसा और बंगाल के लोगों की बांग्लादेशियों के साथ ईजिली दोस्ती हो जाती थी। और मैंने ये भी नोटिस किया कि जो दिल्ली के लोग थे उनके आंध्रा या तमिलनाडु या केरला के लोगों से उस तरह का कनेक्शन नहीं बन रहा था जिनका उनका पाकिस्तानियों के साथ बन रहा था। वो लोग आपस में मस्ती करते थे, घूमने जाते थे और स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करते थे। तब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कंट्री और रिलीजन से उतना कनेक्शन नहीं बनता जितना आपस के लैंग्वेज और कल्चर से बनता है। इंडियन पंजाब के लोग और पाकिस्तानी पंजाब के लोग बहुत सिमिलर हैं, उस तरह इंडियन बंगाल त्रिपुरा के लोग बांग्लादेशी लोगों से बहुत सिमिलर हैं। और बिकॉज उनका लैंग्वेज, कल्चरल सिमिलैरिटी, खाना इतना मिलता जुलता है, उनका कनेक्शन ईजिली बन जाता है। और मुझे सरप्राइज तब हुआ जब बांग्लादेशी हिंदी में बात कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि यार तुम तो बांग्ला बोलते हो, तुम्हें हिंदी इतनी अच्छी कैसे आती है? उन्होंने कहा कि हम टीवी मूवीज़ देखते हैं, हमें पता है, हमें लैंग्वेज आती है। मैंने तो ये सोचा था कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स हैं उसी तरह के टेंशन्स इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के बीच में होंगी जो यूएस और कनाडा ऐसे एरियाज में रहते हैं। और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि ये मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। कोई बिटरनेस नहीं, कुछ नहीं, आपस में तो ऐसे मिलते हैं कि हमें पता ही नहीं कि आप कहाँ से हो, इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका से। तो जब मैंने ये समझा कि ऐसा इसलिए है कि जो बिटरनेस जो थी पार्टीशन के टाइम पर, उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब जा चुके हैं, जो भी टेंशन्स हैं उनके लिए आज की जनरेशन बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 99.99% इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक्स दैट देयर फोर फादर्स मेड। क्योंकि हम लोग उस टाइम पे पैदा ही नहीं हुए थे, हमारे कोई बिटर मेमोरीज भी नहीं है। 99% से ज़्यादा तो ऐसी पॉपुलेशन है इंडिया की जिनके फोर फादर्स पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास भी नहीं थे, तो उनके दादा परदादा ने भी पार्टीशन नहीं देखा था। इसलिए जब हम एट द लेवल ऑफ कंट्री सोचते हैं तब इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा टेंशन आ जाता है, लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं तो कोई टेंशन नहीं होते। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ही लोग है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में रहते हो तो आपको डिफरेंस लगेगा, लेकिन यूएस में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं पता चलता। देखिए जब मैं ओहायो में प्रोफेसर था तब मुझ पर एक दिन बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया था। 2016 की बात है जब उरी में अटैक हुआ था और पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में आ गए थे और उन्होंने सोते हुए जवानों पर गोली चला के उन्हें मार दिया था। हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे और पूरे भारत में बहुत गुस्सा फैल गया था। नेचुरली मुझे भी बहुत दुख हुआ और मुझे भी बहुत गुस्सा आया था और मुझे भी पाकिस्तान से बहुत नाराज़गी थी। और उस टाइम पर मैं डेटाबेस क्लास पढ़ा रहा था और मेरी क्लास में एक पाकिस्तानी स्टूडेंट था जो कि पूरी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट था।
जब भी मेरे ऑफिस में मिलने आता था उसके लैपटॉप पर पाकिस्तानी फ्लैग हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मेरे सामने बैठा है तो यहाँ पर उसका पाकिस्तान का फ्लैग होता था। उससे बातचीत करते हुए मैंने उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि तुम मायामी यूनिवर्सिटी ही क्यों आए, कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए। मैंने ये भी पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके घर वाले क्या करते हैं। उसने बताया कि मेरे पापा पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर हैं। मुझ में उस बात का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया। वो पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर का भी बेटा हो सकता है, दुकानदार का बेटा हो सकता है, बैंकर का बेटा हो सकता है, किसी का भी। लेकिन वो बहुत ही हार्डवर्किंग और सिंसियर स्टूडेंट था और बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करता था। उड़ी अटैक के 2 दिन बाद उस स्टूडेंट ने मुझे ईमेल किया अपॉइंटमेंट मांगने के लिए कि मैं उसके लिए स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखूं। और मैं चक्कर में पड़ गया। एक पाकिस्तानी मिलिट्री के लोगों ने जिन्होंने हमारे जवानों को मारा, उनका बेटा मुझसे हेल्प मांग रहा है, अब क्या करूँगा। मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करूँ। इतना अच्छा स्टूडेंट है, ही डिजर्व स्कॉलरशिप, वो मुझसे इज्जत से लेटर मांग रहा है, वो सपोर्ट मांग रहा है मुझसे, और मैं उसको सपोर्ट करूँ या। लेकिन उसके पिताजी जिस आर्मी में हैं उसी आर्मी ने मेरे देश के खिलाफ काम किया है, मैं इस बात को देखूँ। इस वजह से बहुत असमंजस में पड़ गया कि क्या किया जाए। गीता की फिलॉसफी ये है कि अर्जुन युद्ध भूमि में था, उसके सामने उसके घर वाले थे, उसे लड़ाई लड़नी थी लेकिन उसने हथियार छोड़ दिए, ये कहकर कि मेरे सामने तो मेरे ही भाई और बंधु और मेरे गुरु बैठे हैं, मैं इनको कैसे मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि देखो ये युद्ध भूमि है, तुम यहाँ पर योद्धा हो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। युद्ध भूमि में योद्धा युद्ध करता है, तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है। तब यही लॉजिक मैंने अपने केस में अप्लाई किया। वो एज अ स्टूडेंट अपने प्रोफेसर से मिलने आया था, वो युद्ध भूमि में मुझसे नहीं मिल रहा था, और जब वो मेरे सामने था तब मैं उसके सामने एक टीचर के रूप में बैठा था। और एंड बीइंग अ प्रोफेसर, ये मेरी ड्यूटी है कि मेरा स्टूडेंट जो भी हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, रशियन हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, भले वो पंजाबी हो, केरला का हो, गोरा हो, काला हो, चाइनीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये बात जब मुझे स्ट्राइक की, मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ गई। मैंने ऐसा सोचा भी क्यों कि मुझे किसी स्टूडेंट को हेल्प नहीं करनी चाहिए। अगर वो मेरा स्टूडेंट है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसकी जो हेल्प बन सके मैं करूं। इस तरह मैंने उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर लिखा, उसको स्कॉलरशिप मिल गई, वो 4.0 GPA से ग्रेजुएट किया है, 4 out of 4। इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पाकिस्तानी लोगों से जो भी है, मुझे पाकिस्तानी आर्मी से कितनी भी नाराजगी या शिकायत क्यों ना हो, लेकिन जब लोगों की बारी आती है वो हमारे जैसे ही हैं और मेरे पास कोई रीज़न नहीं है उनसे नफरत करने के लिए। इनफैक्ट मुझे तो ये भी मानना पड़ेगा कि मैं आज तक जितने भी पाकिस्तान के लोगों से मिला हूँ उन्होंने बहुत ही प्यार और इज्जत से ही ट्रीट किया है मुझे। लेकिन वो लोग हमारी कंट्री के खिलाफ भी बोलते हैं। देखिए, वो अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे, जिस तरह मैं इंडिया के सपोर्ट में रहूँगा वो पाकिस्तान के सपोर्ट में रहेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी इंडिया के खिलाफ है या बोलता है तो मुझे शिकायत करने का बिल्कुल हक नहीं है, और अगर मैं इंडिया के सपोर्ट में बोलता हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूँ, अगर मैं पाकिस्तानी गवर्नेंस को भी क्रिटिसाइज कर देता हूँ तो पाकिस्तानी को भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा अपोजिशन जो है वो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री से है, पाकिस्तान के आम लोगों से हमारा कोई अपोजिशन नहीं है। लेकिन आजकल पाकिस्तान से कम स्टूडेंट्स आते हैं, उनको वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, इंडिया से ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, तो अब पाकिस्तान के स्टूडेंट्स से उतना मेल जोल नहीं होता है। इनफैक्ट टेक्सास मूव होने के 2 हफ्ते बाद ही मैं क्रिकेट गेम खेलने गया था, वहाँ पे मेरी क्रिकेट टीम में सारे के सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, 2 लोगों को छोड़कर जो कि मुंबई से थे। मेरे उस पहले ही गेम में मैं फील्डिंग कर रहा था और बैट्समैन ने बॉल बहुत ऊंची मारी, तो दूसरा फील्डर और मैं दोनों दौड़े बॉल की तरफ, हम दोनों टकरा गए, बॉल ज़मीन पर गिर गई और मेरा जो नी है वो बॉल के ऊपर गिर गया मेरे वेट और उसके वेट के साथ, और मेरे पैर का वहीं फ्रैक्चर हो गया। तब यही पाकिस्तानी लोग मुझे उठाकर मेरी कार में रखकर डॉक्टर के पास ले गए। जब तक मेरा एक्सरे स्कैन नहीं हो जाता तब तक उन लोगों ने वेट किया। तब मैंने कहा कि आप लोग घर जाओ, लेट हो रहा है, मैं अपना घर चले जाऊंगा। इन समरी, मेरी बात का कोई बुरा ना मान ले, मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट ये है कि इंडियंस और पाकिस्तानी लोग एक ही हैं, जब आपस में मिलते हैं ना तो कोई फर्क दिखता ही नहीं है। उनको अपनी कंट्री में शांति से रहने दो और हम अपनी कंट्री में शांति से रहें, और अगर फ्यूचर में कोई टेंशन हो भी जाते हैं तो हमारा ये हक बनता है कि हम इंडिया के सपोर्ट में खड़े हो जाएं पाकिस्तान के अगेंस्ट। और बिकॉज हम पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, उसका मतलब सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी एस्टैब्लिश और मिलिट्री के अगेंस्ट हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जितने भी इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हुए हैं, मुझे उनमें कभी कोई फ़र्क लगा ही नहीं। उन सभी को होमवर्क का टेंशन होता है, उन सभी को एग्ज़ाम्स में अच्छे ग्रेड्स लाने होते हैं, सभी को अच्छा जॉब चाहिए, सभी को अच्छी सैलरी भी चाहिए। इसीलिए फ्यूचर में मैं कभी इंडिया के सपोर्ट में और पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ बोल भी दूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पाकिस्तानी स्टूडेंट से या पाकिस्तानी लोगों से कोई प्रॉब्लम है। हम बस इतना होप कर सकते हैं कि फ्यूचर में टेंशन कम हो और रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएं। तो
Thank you for watching. Jai Hind and God bless America. इस चीज का तो हम खुद पर्सनली एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं कि जब पाकिस्तानी और इंडियंस यहाँ पर होते हैं तो एक दूसरे से जो है वो काफी ज्यादा जो है वो टकराव रखते हैं, लेकिन जब बाहर दूसरे मुल्कों में मिलते हैं तो वो जो है वहां पर आपको ये चीज नहीं नजर आती, वहां पर जो है ना आपको सब अपने जैसे ही लगते हैं। खासतौर पर अगर मैं पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की बात करूँ ना, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अपनाइयत फील होती है। अगर आपको याद हो, हम जब जाते थे रोड साइड पर तो वहां पर एक जो है अंकल भी मिले थे, उन्होंने कहा था कि वहां पर जाओ तो आप जो है ना समटाइम्स क्या होता है कि अपने जो खित्ते के लोग होते हैं उनसे बात करने के लिए तरस जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा था। लेकिन आज की वीडियो में जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने अपनी मन की बात बोली, एक्सप्रेस किया, अपना एक्सपीरियंस बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। और ये बात वाकई में हकीकत है कि आप एक जैसे ही हैं, लेकिन ये अब एक जैसे का मतलब ये नहीं होता कि पूरा इंडिया का इंडिया जो है मतलब उससे मिलते जुलते हैं। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपको एक डिफरेंट कल्चर देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि इंडिया के किसी न किसी कोने में मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को की आपको झलक जरूर कहीं ना कहीं पर नजर आती है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से अगर बात की जाए तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने ये बात की कि आम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉलिटिकल लेवल पर देखी जाए या फिर एस्टेब्लिशमेंट की लेवल पर या फिर आर्मी बेस पर देखी जाए, तो हाँ उस पर जो एक प्रॉब्लम है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अगर साइड पर रख दिया जाए तो मुझे लगता है लोग आपस में जब मिलते हैं, स्पेशली अभी की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि अभी जब से सोशल मीडिया और ये प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को, लोगों की दूरियां जो है वो खत्म हुई हैं और लोग और ज्यादा करीब हुए हैं, लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिला है। यार मैं अगर बात करूं ना, पॉलिटिकल लेवल पे जितने भी इश्यूज होते हैं ना, वो सारे जो है ना जो जनरल पब्लिक होती है उस पर जो है ना थोप दिए जाते हैं कि उस हालांकि होते वो पॉलिटिकल इश्यूज है, लेकिन हाँ वो नहीं चाहते वो, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो लोकल पब्लिक, जो आपकी जनरल पब्लिक होती है वो होती है। मैं कल के परसों जो है बात कर रहा था, एक फ्रेंड है तो उनसे यही बात हो रही थी, वो कहते कि कब आप इंडिया आएंगे, तो मैं उनसे यही कहा था, मैं कहा पाकिस्तान इंडिया में जो हमें सबसे बड़ा इशू जो है ना वो ये देखने को मिलता है कि इनके पॉलिटिकल इश्यूज को एक साइड पर किया जाए तो वीजा जो है वो लोगों को जो है नहीं दिया जाता। अब एक जनरल पब्लिक है जिनका इंडिया में कोई नहीं रहता या पाकिस्तान में कोई नहीं रहता, उनको वीजा लेने में बहुत ज्यादा जो है, बल्कि उन्हें वीजा मिलता ही नहीं है। आपको या तो कोई हेल्थ का इशू बनाना पड़ता है फिर आप जा सकते हैं, इसके अलावा जो है आपको वीजा नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों को जो है ना अपने पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल एजेंडा जो है, बेशक वो किसी भी बेस पे हैं, उन्हें एक साइड पर रखना चाहिए। पब्लिक के लिए जो है थोड़ी बहुत नरमियां होनी चाहिए वीजा पॉलिसीज में कि आप जो है आराम से उनसे आ जा सकें, ज्यादा कुछ नहीं। तो मेरा ख्याल है हफ्ते में 2 से 3 ट्रेन जो है लाहौर से दिल्ली के बीच और जो है थर पार्कर जो है वो क्रॉस करनी चाहिए, नहीं लिटरली होना चाहिए, क्योंकि लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो बहुत सारे जो है आपके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी जब हम करतारपुर जाते हैं तो वहां पर आप लिटरली अगर अपने अपने बैज उतार दें ना, आप पहचान नहीं सकते वहां पे कि कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी है, वो सिर्फ एक बैज का जो कलर होता है वो आपको बताते हैं कि भाई ये यात्री हैं और ये लोकल हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि मैं इस चीज से टोटली अग्री करूंगी कि अगर आपके घर में कोई खराबी पैदा करेगा तो डेफिनेटली आपको गुस्सा भी आएगा, आप उसके बारे में बुरा भला भी बोलोगे, आप लोगों से भी नाराज होंगे। बट मुझे ये लगता है ना कि उसके जो मतलब रीजन जो है वो ये है कि लोगों को आपस में इतना मिलने नहीं दिया जाता, लोगों पे जो एक स्टोरी सुना दी जाती है या जो एक उनका मतलब मैं यहाँ की बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से लोगों को एक कहानी बता दी जाती है या एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, लोग उसी पर ही मतलब यकीन करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन की है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म को यूज करना है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करना, बल्कि आपने बस एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए मेजोरिटी की बात करी यूज करना है,
तो ये चीजें कभी भी आपको मतलब आपके सामने जो रियलिटी है वो या चीजें सच में जो एग्जिस्ट करती हैं वो आपके सामने नहीं लेकर आ सकती। ऑन द अदर साइड मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया के लोग मुझे जहां तक मैं जान पाई हूँ बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि वो लोग अवेयर होते हैं जो करंट सिचुएशंस चल रही होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर क्या चीजें चल रही हैं। तो मैं उस लिहाज से देखूं तो मुझे पाकिस्तानी बहुत पीछे, आम लोगों की बात करूं तो मुझे बहुत पीछे लगते हैं। अभी अगर हम लोग अगर किसी ऑफिसर के बंदे वो बेटे की या बेटी की बात करें तो मैं ये हमेशा बात बोलती हूँ कि उनके पास अपॉर्चुनिटी एक आम आदमी से बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब किसी का कोई कितना इंटेलिजेंट है ये तो ऊपर वाले की देन है कि भाई मतलब एक बंदा मेहनती है, इंटेलिजेंट है, उसको उस बेस पर उसका एक यू नो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उस चीज से कोई नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि कहीं ना कहीं पर जो ऐसे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जहां पर उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं या हम अपना फ्यूचर कैसे देख सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर आकर बहुत सारी चीजें जो है ना वो सही होनी चाहिए पाकिस्तानियों के लिए, एक आम आदमी के लिए, क्योंकि फिर इससे जो आने वाली नस्ल है उसकी सोच बहुत डिफरेंट होगी। बिल्कुल, मैं प्रोफेसर जो है उनसे बिल्कुल एक बात पर एग्री करना चाहूंगा, जो एक बिटरनेस है ना वो इसी चीज को लेकर है जो 47 में हुआ। अगर उस टाइम की बात करें ना तो उस जनरेशन की मैं अगर बात करूं तो एक मेजोरिटी जो है ना उस जनरेशन के लोगों की वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है ना आपको कुछ लोगों में बिटरनेस देखने को जो है वो मिलती है। लेकिन अगर मैं आगे से यंग जनरेशन की बात करूं जो आज यानी कि आपको देखने मिलती है, उन्हें इन चीजों से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इवन कि उन्हें वो जो है इस टॉपिक पे इतना ज्यादा बात ही नहीं करते। जो वो आज की अगर देख वो टेक्नोलॉजी पर वो डिफरेंट डिफरेंट जो है चीजों पर आपको बात करते हुए जो है वो मिलेंगे, लेकिन इस पे नहीं। नो डाउट लोगों में होता है कि उस टाइम ये हुआ वो हुआ, उस चीज का सबको दुख भी है, ये नहीं कि उस चीज का दुख नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो जाने गए जिन लोगों की जो खानदान जो है इधर से उधर जो हुए, उनका जो दर्द है, उनका जो दुख है, वो जो है सिर्फ वो ही जानते हैं। आम बंदा जो है वो उनके बारे में बात कर सकता है, लेकिन जिस पे कहते हैं ना बीतती है वो ही जानता है। लेकिन अगर अभी भी जो उस टाइम के लोग थे अगर उनमें से कोई जिंदा है उनसे आप बात करते हैं ना, उनकी यादें उसमें क्या नाम लेते हैं आपको उनके गांव जो है उसकी बातें, उनके बचपन की बातें जो है वो सुनने को मिलेंगी, लेकिन उनकी बातों में आपको कड़वाहट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भी यही चीज कहते हैं कि जो उस टाइम किया वो जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके जो आपस में क्लैशेस थे उन्होंने वंड डाली, लोगों में कुछ भी नहीं था। वंड डाली वो तो बोलते बोलते पंजाबी का वर्ड बोला था ना, तो यार बेसिक मतलब यार बेसिकली मैं इसलिए हंसी मिल गई कि अगर मे भी बहुत सारे लोगों समझ ना लगे हाँ, का क्या मतलब यार बेसिकली अगर आप देखें ना पार्टीशन कहाँ पे हुआ, पार्टीशन या तो पंजाब में हुआ या अगर देखा जाए बंगाल वाली साइड पे वहां पर हुआ, बाकी अगर देखा जाए तो तकरीबन सेम ही वो जो है सूबों के मैप रखेंगे। मैं एक बात बोलूं, मेरा अभी तक जो मैं चीजें समझी हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो अभी भी यहाँ पर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं मतलब लोगों के जो जिनमें बिटरनेस है कि वो हर चीज में ना नेगेटिव ही सोचेंगे इंडिया के बारे में कि नहीं इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, ये ऐसा करते हैं वो चीज है, आप जितना मर्जी उनको समझा लो। अब बड़ों की मैं बात करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि सब बड़ों में बिटरनेस थी। उसकी रीजन ये है कि मैं अपनी जब नानी की अगर मैं बात करूं तो मेरी नानी माँ बताया करती थी कि उनके मतलब नेबर्स में रहा करते थे, नॉन मुस्लिम रहा करते थे, बहुत अच्छा उनका एक मतलब वो अपने बचपन की बातें बताया करती थी, तो बहुत एक अच्छा एक माहौल रहता होता था, उनके शादियों पे जाया करना, तेल मेहंदी ये वो फलाना सारी चीजें इस तरह से बताई। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि बल्कि उनकी सादगी को जो हमारे बड़े थे उस टाइम के पॉलिटिकल लीडरशिप ने इतना ज्यादा मैनिपुलेट करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर आज के टाइम पर अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अगर डिफरेंट डिफरेंट फेथ के इकट्ठे नहीं रह सकते तो फिर यूरोप में या अमेरिका में वो कैसे इकट्ठे रह रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर ये चीज लोगों को जो है वो सोचनी चाहिए आजकल के टाइम के लिहाज से। और दूसरा ये कि अब जो बच्चे हैं ना इनको जो नई नस्ल है मुझे लगता है इनमें ये चीज़ बड़ी अवेयरनेस आनी चाहिए कि ना हम लोगों को के हिंदुओं से आज़ादी नहीं मिली थी, हम लोगों को अंग्रेजों से इकट्ठी आज़ादी मिली थी। तो ये जो आप एक नेगेटिव नैरेटिव रखते हैं ना
टूवर्ड्स मतलब हिंदू कम्युनिटी, वो चीज गलत है। तो मुझे लगता है कि जब आप इन चीजों में क्लियर हो जाएंगे ना, आप किसी के खिलाफ किसी का दिमाग नहीं भरेंगे, तो फिर चीजें खुद ब खुद जो है वो सही होना शुरू हो जाएंगी, लोगों में प्यार होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं ये बात कहती हूँ और मौजा भी ये बात कहता है कि मिलना बहुत जरूरी है। क्राइटेरिया नो डाउट टफ हो, कोई बात नहीं है उसमें आप, लेकिन एक आम इंसान को एटलीस्ट इतनी एक्सेस होनी चाहिए कि वो विजिट कर सके, जैसे बाकी देशों के लोग जो हैं वो जाते हैं विजिट करते हैं। और आई एम श्योर कि जब इंडिया और पाकिस्तान के लोग मिलेंगे ना आपस में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब हम लोगों ने चैनल स्टार्ट किया था, इवन अभी भी हमें बहुत सारी ऐसी ईमेल्स रिसीव होती हैं और वो हमें कहते हैं कि भाई हम लोग हैरान होते हैं कि पाकिस्तान में औरतें ऐसी हैं, पाकिस्तान में औरतें बुरका नहीं पहनती, पाकिस्तान में औरतें ऐसा नहीं करती। तो मतलब है, पाकिस्तान में भी औरतें बुरका पहनती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनती, बट ऐसा नहीं है कि हर औरत ही बुरखा पहन के बाहर निकलती है, या पाकिस्तान में लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती, या पाकिस्तान में लड़कियां जीन्स शर्ट नहीं पहन सकती, सब कुछ होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक जिस तरीके का एक सोच बना दी गई है ना आपके सामने, वो चीज़ें मतलब सही होती हैं जब आप आपस में मिलते हो। अभी बहुत सारी ईमेल्स हम लोगों को इसी तरीके से जब रिसीव होती है तो मुझे अच्छा भी लगता है कि लोगों की बहुत सारे जो एक मिसकंसेप्शन है वो चीज़ खत्म होती है। अभी कल या परसों ही मैं बात कर रहा था ईमानदारी से कि इंडिया पाकिस्तान के जो है ना विजिट वीजे होने चाहिए, बेशक क्राइटेरिया थोड़ा सख्त, तो वेरिफिकेशन जो है वो एक पूरे तरीके से की जाए, लेकिन जो है ना लोगों को जो है ना वो विजिट वीजे जो है वो दिए जाने चाहिए। और दूसरा, जब स्टार्टिंग में जो है प्रोफेसर साहब है उन्होंने कहा कि वल्ला हबीबी वहाँ पे हंसी निकल गई कि वाकई ये लोगों को लगता है कि पाकिस्तानी जो है वो पता नहीं शायद अरेबिक बोलते हैं या तुर्किश बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने आप को अरबी समझते हैं ना। हाँ, लेकिन जो हाँ, है ना, हाँ जो है ना जो पश्तो स्पीकिंग है हाँ, उनको जरा थोड़ा सा उर्दू बोलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि उनके डायलेक्ट में वो जरा थोड़ी सी पश्तो टच आती है। लेकिन है। अगर ये बात कहें कि भाई पंजाब क्या नाम लेते हैं अरेबिक टच आता है पाकिस्तानियों में, तो भाई वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग ये जरूर बोलते ये वाला हमें जरूर बिल्कुल। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पे जो है ना, खाली ये मैं बात नहीं करूंगा कि पश्तून जो हैं उन्हें जो पश्तो बोलते हैं, में आप जितने भी देख लें जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं उनमें जो लोग रहते हैं उनमें जब वो उर्दू बोलते हैं ना तो उसमें जो है ना एक उनका जो अपना देसी टच होता है वो ज़रूर आता है। इवन कि आप अगर बलोचिस्तान की बात करें या आप सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें, आपको जो है ना वो बोलेगा ना बंदा उर्दू बोलेगा, आपको फील हो जाएगा यार ये बंदा जो है ना ये कहीं और से आया हुआ है। सिंध में बोल रहे हैं मेरा साईं, ऐसे करके उनका लहजा होता है, तो मुझे वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। हर जगह की खूबसूरती होती है, जो सराइकी बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, आप वो बोल रहे ऐसे लगता है मुझे फूल झड़ रहे, इतनी वो प्यारी और मीठी लैंग्वेज सराइकी वाकई बहुत खूबसूरत है। अगले आपको मुंह पे खड़े होके चूना भी लगा देंगे ना, आपको लगेगा कि यार इतने मीठा ये बंदा बोल रहा है, लगवा लेते चूना। आपको बोलना नहीं पड़ेगा उसका, आप जवाब भी दे देंगे इतने प्यार से, वो आपकी बेइज्जती भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि लोगों के दिमाग भर रहे हैं नेगेटिविटी के साथ, हम लोगों को उन लोगों को ऐसा नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हमें एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्शन भी करना चाहिए ना, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को किसी एक स्पेसिफिक थॉट के साथ बात नहीं करनी कि नहीं ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये जैन है, या कोई भी ये फेथ को फॉलो करता है तो ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, नहीं। मुझे लगता है कि आपको ना बहुत खुले दिल के साथ किसी से बात करनी चाहिए, और आप जब ऐसे बात करोगे ना, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप अच्छा फील भी करोगे। और हमारी तो ये दिली ख्वाहिश है कि जल्द ही ऐसा मौका आए कि दोनों साइड के जो लोग हैं वो एक दूसरे से मिले, जो टूरिस्ट वीजा है वो उसकी पॉलिसीज जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि नहीं तो कम से कम स्टार्टिंग जो है इंडिया वाली साइड पे भी किसी कॉरिडोर से हो जानी चाहिए यार। मैं सच्ची बात बोलूं, मैं कॉरिडोर तक नहीं रहना यार, स्टार्टिंग तो होनी चाहिए ना। वो देखें, जब दिल्ली में एंटर करूं यार, मुझे दिल्ली का फूड खाना है, मुझे वहां की
सरोजनी मार्केट में जाना है, मुझे घूमना है, आपको ये करना है, मुझे भी ट्रेनों में सफर करना है, खासकर राजधानी वंदे भारत में मुझे उनमें सफर करना है, मुझे हर जगह पे घूमना है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि एक आम व्यक्ति को इतना ही बिल्कुल अभी अभी रिसेंटली जो है ना, वो मेरे एक फ्रेंड है, वो जो है अमृतसर आ रहे थे, तो वो जब अमृतसर पहुंचे ना, वहां पे जो यू नो ट्रैक्स के साथ साथ आपको जो खेत नजर आते हैं वो ऐसे हो गए जैसे हम लाहौर से सियालकोट वाली साइड पे ट्रैक पे जाते हैं ना, ऐसे हो गए बिल्कुल। मैं कही तो बिल्कुल एक डिफरेंट ही व्यू आपको मेरा ऐसे लगा जैसे आप इधर ही जा रहे हैं। लेकिन ये है कि आप लोग दुआ करना कि जल्दी से हम लोग आ सके, सही बात है, हालात नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हमने तो अपने दिल की बहुत सारी बातें खुलकर आपके सामने रख दी है, आप जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। और इसी के साथ गुड बाय।